सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। और आज मैं आ चुका हूँ जयंश आदर्श बजाज शोरूम। अगर एड्रेस की बात करें तो आरा सासाराम रोड नियर तेतरिया मोड़ आरा भोजपुर बिहार। एंड मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं सौरभ ऑटो वर्ल्ड। तो आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारे पास गाइस 2023 मॉडल बजाज मैक्सिमा कार्गो एक्सेल सीएनजी थ्री व्हीलर लोडर। और आज इसमें करने वाले हैं फुल लीटर रिव्यू। एंड इससे पहले चैनल पर तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है इस गाड़ी का, क्या आपको प्राइस मिल जाएगा और पहले के अकॉर्डिंग बहुत कुछ अपग्रेड हो गया है, तो वो भी सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला है। इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके उनके लिए जो गाड़ी लेने वाले लेने की सोच रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। और फ्रंट से गाइस कुछ ऐसा दिखने वाला है, बजाज मैक्सिमा कार्गो एक्सेल सीएनजी थ्री व्हीलर लोडर। और यहाँ पे आपको सिंगल वाइपर मिल जाएगा, बड़ा सा आपको एक विंडशील्ड मिल जाता है और दोनों साइड आपको एडजस्टेबल मिरर मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इसे, देखिए। और इस गाड़ी के हेडलाइट कुछ ऐसा दिखने वाला है, हैलोजन में आपको हेडलाइट मिलने वाला है, विथ हैलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। इधर आपको टेप वाला रिफ्लेक्टर मिलने वाला है जो कि रात के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट होता है। और यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा, आप नंबर प्लेट वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये आपको पैनल फुली ब्लैक में मिलने वाला है, मतलब कि मैट ब्लैक फिनिशिंग में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए बजाज मैक्सिमा का प्यारा सा आपको बैजिंग मिल जाएगा क्रोम में। और यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है और इधर आपको सीएनजी का बैजिंग मिल जाएगा। और मडगार्ड कुछ ऐसा दिखने वाला है, बॉडी कलर में आपको मडगार्ड मिल जाएगा, काफ़ी हेवी मिल जाएगा, आप इस बैठोगे फिर भी ये टूटने वाला नहीं है। और इस गाड़ी का फ्रंट टायर कुछ ऐसा दिखने वाला है, एमआरएफ का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। पहले आपको 10 इंच का मिलता था, अब 2023 में अपग्रेड हो गया है, मतलब 12 इंच का मिलने वाला है। तो ये अच्छा खासा अपग्रेड हो गया भाई साहब, जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ही लाजवाब मिलने वाला है। और इस गाड़ी का फ्रंट सस्पेंशन कुछ ऐसा दिखने वाला है, दोनों साइड आपको सस्पेंशन मिल जाएगा, इस साइड भी और इस साइड भी। देखिए ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर आपको फ्रंट का सस्पेंशन मिल जाएगा, तो जो कम्फर्ट है भाई साहब पहले से बेहतर हो गया है। और फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल से। और साइड से कुछ ऐसा दिखने वाला है 2023 मॉडल बजाज मैक्सिमा कार्गो एक्सेल सीएनजी। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 195 में मिल जाएगा, बाकी डिटेल आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, बड़े बड़े गड्ढे हो, ठोकरे वगैरह हो, रोड भी ख़राब है तो ये गाड़ी आराम से उसमें जा सकता है, तो ये भी अपग्रेड हो गया है 2023 में। इस गाड़ी का पेलोड एरिया कुछ ऐसा दिखने वाला है, जो कैपेसिटी आपको 619 केजी का मिलने वाला है। और इधर आपको हुक मिल जाएगा, देखिए आप आराम से सामान वगैरह लोड करके बांध सकते हैं। और इस गाड़ी का रियर टायर कुछ ऐसा दिखने वाला है, वही आपको 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। और इस गाड़ी का चेचिस कुछ ऐसा दिखने वाला है, केबिन टाइप आपको चेचिस मिल जाएगा और सीएनजी टैंक यहाँ पर आपको इंस्टॉल मिल जाता है, यहाँ से आप सीएनजी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आप सीएनजी ले सकते हैं, 40 लीटर का आपको टैंक मिलने वाला है, इसमें आपको करीब 5.5 केजी सीएनजी आ जाता है, तो काफ़ी बेहतरीन है। इस गाड़ी का रियर सस्पेंशन कुछ ऐसा दिखने वाला है, शॉक एब्जॉर्बर इस गाड़ी का रियर सस्पेंशन मिल जाएगा, तो काफ़ी शानदार है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल से। और रियर से कुछ ऐसा दिखने वाला है 2023 मॉडल बजाज मैक्सिमा कार्गो एक्सेल सीएनजी। और यहाँ पे आपको एक्सेल कार्गो का बैजिंग मिलने वाला है, इधर आपको रेड कलर में टेप वाला रिफ्लेक्टर मिलने वाला है जो कि रात के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट होता है। इधर आपको बजाज मैक्सिमा का प्यारा सा बैजिंग मिल जाएगा, सीएनजी का बैजिंग मिलने वाला है। और यहाँ से आप मैन्युअली बूट को ओपन कर सकते हैं, इस साइड भी आपको मतलब खोलने वाला मिल जाता है और इस साइड भी आपको खोलने वाला मिल जाता है। और इस गाड़ी का टेल लाइट कुछ ऐसा दिखने वाला है, ब्रेक लाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर सारा कुछ आपको एक ही में इंस्टॉल मिल जाएगा। और इधर इंजन गार्ड लगा हुआ है, मतलब नेट टाइप जाली टाइप इस पर लगाया गया है सेफ्टी के लिए। और इस गाड़ी का इंजन कुछ ऐसा दिखने वाला है, देखिए 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशियन फोर्स एयर कूल्ड DTSI आपको इंजन मिलने वाला है, 236.6 cc सिंगल सिलेंडर, मैक्स पावर 10 hp, मैक्स टॉर्क 16.5 nm, फ्यूल टाइप आपको CNG मिलने वाला है। इस गाड़ी का माइलेज आपको 35 प्लस मिल जाएगा, मैक्स स्पीड आपको 50 मिलने वाला है, BS6 फेस 2 इंजन आपको मिलने वाला है। और यहाँ से आप गाड़ी में पेट्रोल ले सकते हैं, ये आपको इमरजेंसी में मिल जाएगा, 2.5 लीटर का आपको टैंक का कैपेसिटी मिलने वाला है। और ये देखिए E20 का यहाँ पर आपको बैजिंग मिलने वाला है, ये 20% एथेनॉल पे चलने वाला है, बाकी 80% ये पेट्रोल पे चलने वाला है। तो बिल्कुल लेटेस्ट 2023 मॉडल अपग्रेड गाड़ी अभी आप सामने देख रहे हैं। और अब बात करते हैं इस गाड़ी का ड्राइवर एरिया का।
और इस गाड़ी का की कुछ ऐसा दिखने वाला है। दो की आपको मिल जाएगा, की पे आपको बजाज का बैजिंग मिलने वाला है, की भी पहले के अकॉर्डिंग अपग्रेड हो गया है और बड़ा सा आपको एक डोर मिल जाएगा देखिए, और ब्लैक कलर में आपको डोर हैंडल मिलने वाला है और आप मैनुअली की लगा के गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इस गाड़ी का ड्राइवर एरिया कुछ ऐसा दिखने वाला है, दो आपको ग्लास मिल जाएगा, ये आपको फिक्स मिल जाता है और ये आप ग्लास को ओपन कर सकते हैं देखिए, ऐसे आराम से हवा अंदर बाहर आ जा सकता है, तो ये आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है और यहाँ से डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इधर आपको एक साइड का 12 वोल्ट का बैटरी मिलने वाला है, इधर आपको पैर रखने का जगह मिल जाएगा, रियर ब्रेक मिलने वाला है, हाइड्रोलिक आपको ब्रेक मिल जाएगा, ये भी अपग्रेड हो गया पहले के अकॉर्डिंग, इधर आपको रिवर्स गियर मिलने वाला है और इस साइड आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिलने वाला है। इस गाड़ी का सीट कुछ ऐसा दिखने वाला है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको लेदर में सीट मिल जाएगा, बैकरेस्ट आपको सपोर्ट मिलने वाला है और इधर आपको एक विंडो मिल जाएगा स्लाइडिंग, आप इसे ओपन क्लोज भी कर सकते हैं, जो भी पीछे सामान वगैरह लोड किया आराम से देख सकते हैं। इधर आपको फायर बॉक्स मिलने वाला है, अगर आपका गाड़ी में आग लग जाता है तो आग को बुझा सकते हैं, और इधर आपको एक केबिन लाइट मिल जाएगा हैलोजन में देखिए, तो रात के लिए काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। और अब बात करते हैं हम हैंडल का, तो इस गाड़ी का हैंडल बार कुछ ऐसा दिखने वाला है, ब्लैक कलर में आपको हैंडल बार मिलने वाला है और क्लच भी पहले के अकॉर्डिंग अपग्रेड हो गया, काफ़ी स्मूथ आपको क्लच मिल जाएगा, 4 स्पीड आपको मैनुअल गियर मिलने वाला है और इधर आपको टर्न इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम, वाइपर को यहाँ से ऑन कर सकते हैं और यहाँ से लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इस गाड़ी का हॉर्न कुछ ऐसा मिलने वाला है देखिए, काफ़ी हैवी आपको हॉर्न मिल जाएगा, इधर आपको एक्सीलेटर मिलने वाला है और इधर आपको स्पेस मिल जाएगा देखिए, आप सामान वगैरह या पैसा वगैरह इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह आराम से रख सकते हैं। इधर आपको म्यूजिक सिस्टम का जगह मिल जाता है, मतलब एक स्पीकर इंस्टॉल करवा सकते हैं इस साइड भी और इस साइड भी, और यहाँ से आप की लगा के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं देखिए यहाँ से। इधर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है, आप फ़ोन वगैरह अपना चार्ज कर सकते हैं और यहाँ से आप CNG और या फिर पेट्रोल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, चारों इंडिकेटर को एक ही साथ ऑन कर सकते हैं देखिए, यहाँ पे मीटर में ब्लिंक करने लगा। और इधर आपको एक्स्ट्रा स्विच मिल जाएगा, अगर आप बाद में म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके लिए आपको स्विच मिल जाता है। इधर आपको स्पेस मिल जाएगा, आप फ़ोन वगैरह आराम से यहाँ पर रख सकते हैं, तो काफ़ी लाजवाब है। और इस गाड़ी का मीटर कंसोल कुछ ऐसा दिखने वाला है देखिए, बजाज का बैजिंग मिलने वाला है, कितना गाड़ी में CNG है यहाँ पे शो करने वाला, अभी गाड़ी न्यूट्रल है तो देखिए यहाँ पे एन शो कर रहा है, यहाँ पे CNG का, बैटरी का, इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा और यहाँ पे कितना गाड़ी चला है ये शो करने वाला है, मतलब जो भी काम की जानकारी है सारा कुछ आपको मीटर कंसोल में मिलने वाला है भाई साहब। और अब बात करते हैं इस गाड़ी का प्राइस का, और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस आपको 288,827 रुपये इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस मिलने वाला है। अगर ये गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आप जानना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर डीलरशिप का नंबर दिख रहा है, आप वहाँ से कॉल करके सारा कुछ पूछ सकते हैं या फिर आप शोरूम में आके भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर शोरूम एड्रेस का बात करें तो आरा सासाराम रोड नियर तेतरिया मोड़ आरा भोजपुर बिहार, और शोरूम का नाम है जयंस आदर्श बजाज। और जितना हो सके वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड रिलेटिव फैमिली के साथ जिनको ये गाड़ी लेने के लिए सोच रहे, बहुत ही लाजवाब गाड़ी है, पहले के अकॉर्डिंग बहुत ही कुछ इसमें अपग्रेड हो गया, बहुत ही ज़्यादा, जैसे टायर हो गया और भी बहुत कुछ इसमें अपग्रेड हो गया है। और ये गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर बजाज के कोई भी थ्री व्हीलर के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर डीलर नंबर दिख रहा है, वहाँ से कॉल करके सारा कुछ पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।